शिक्षा के मंदिर में विद्यार्थियों का भविष्य यूपी में किस तरह से बन रहा है, इसकी वानगी हम आपको बताएंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में असली अध्यापक के नाम पर नकली अध्यापक भी यहाँ पठन पाठन का कार्य करते हैं और बराबर वेतन भी उठाते हैं। ऐसा तब है जब ऐसे फर्जी शिक्षक अशिक्षित होने के साथ ही सफाई कर्मी भी हो। इसका खुलासा हुआ तो असली अध्यापक भी हैरान हो गए। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद नटवर लाल अध्यापकों के खिलाफ शिकंजा भी कसना शुरू हो चुका है। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर की। यहां नौनिहालों का भविष्य संवारने वाले असली अध्यापकों की डिग्री और दस्तावेजों का क्लोन तैयार कर दूसरे जनपदों में कोई नकली शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा होगा तो सुनकर हैरानी होना स्वाभाविक भी है, लेकिन यह हकीकत ही है। दरअसल गोरखपुर के उरुआ ब्लॉक के कंधला प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहजनवा के रहने वाले शिक्षक राम प्रसाद ने साल 1983 में बतौर शिक्षक गोरखपुर के पाली में पहली बार ज्वाइनिंग पाई थी। इसके बाद वे विभिन्न स्कूलों में नवनिहालों का भविष्य संवारते रहे और वर्ष 2023 में ये सेवा मुक्त हो जाएंगे। राम प्रसाद के मोबाइल पर 3 से 4 महीने पहले एक मैसेज आया तो उन्हें पता चला कि बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में किस तरह से 2 फर्जी शिक्षक उनके नाम पर गोरखपुर के जंगल कौड़िया और गाजियाबाद में साल 1998 से नौकरी कर रहे हैं। बीएसए ऑफिस और एसटीएफ ने इसकी जांच की तो दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई बैठ सकी। अभी ने इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके ही नाम पर उनके ही दस्तावेजों का इस्तेमाल कर कैसे फर्जीवाड़ा किया गया। शुरुआत में जब जांच शुरू हो गई है हमारे विभाग से, तब थोड़ा हमको शांत। दो लोग कर रहे हैं, आपको मिला 3 लोग। हाँ, पेपर हम दिखाए नहीं है, नाम एक और 3 जगह तैनाती पहले निकला था। राम प्रसाद जैसे गोरखपुर के एक और अध्यापक हैं, इनका नाम अनिल कुमार यादव है और साल 2006 में बतौर शिक्षक इनकी तैनाती हुई थी। अनिल के मुताबिक उनके पास ITR दाखिल करने और टैक्स जमा करने का मैसेज आया तो उनके होश उड़ गए। वे बताते हैं कि साल 2018 का मामला है, उन्हें इसकी जानकारी हुई कि उनकी जगह पर उनके ही दस्तावेज और पैन का इस्तेमाल कर कोई सीतापुर जिले में भी नौकरी कर रहा है तो उन्होंने इसकी शिकायत बेसिक शिक्षा विभाग में की। हालांकि कोई सुनवाई ना होते देख अनिल ने बाद में एसटीएफ के अधिकारियों से मामले की शिकायत की, जिसके बाद हरकत में आई जांच एजेंसी ने नकली अध्यापक को जेल भेज दिया। अनिल को डर है कि कहीं उनके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल ना कर लिया जाए। शिक्षा विभाग में जिस तरह से सालों से तैनात फर्जी शिक्षक न सिर्फ शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं, उससे नौनिहालों का भविष्य कैसे बनेगा इसका भी अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। साथ ही शिक्षा विभाग में नौकरी की प्रक्रिया पर भी सवाल उठना लाजमी है। सेशन का असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स ITR दाखिल करने गए तो जब सीए को हमने दिया कि हमारा ITR दाखिल कर दीजिए, हमने करते नहीं थे उस समय, तो जो है जब देखो करके कैलकुलेट करके बताए तो हमको बताया कि सर इन्वेस्टमेंट भी है, हाउसिंग लोन थे उस समय अभी है, तो जब हम कहे सर ठीक है तम्बर मुड़ को मना कर दिया, फिर दाखिल मत कीजिए इसको। अब इसको मैं जो है ले आया अपना सिस्टम खोल करके फॉर्म 20। अजीत सिंह, गोरखपुर, जनमत न्यूज़।